नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा एक्का। आज मैं आपको पाठ 3 कछुआ और हंस की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। एक तालाब था, उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब पर हर रोज दो हंस आया करते थे। इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये तीनों रोज मजे से नाचते गाते और खेलते थे। एक बार बहुत समय से बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण नदी तालाब सूख गए। सभी पशु पक्षी प्यास के कारण परेशान होने लगे, मरने लगे। हंस तो उड़कर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनके दोस्त कछुए का क्या होता? हंसों को अपने दोस्त कछुए के बारे में सोच सोच कर चिंता होने लगी। वे दोनों हंस अपने दोस्त कछुए के पास पहुँचे। कछुआ उन्हें देखकर रोने लगा। कछुए ने हंसों से कहा, किसी भी तरह से मुझे इस सूखे तालाब से कहीं और ले चलो, जहाँ पानी हो और मैं जिंदा रह सकूं। थोड़ी देर तक हंस सोचते रहे, फिर वे एक छड़ी लेकर आए और कछुए से बोले, हम दोनों इस छड़ी को दोनों ओर से पकड़ लेंगे और तुम इसे बीच में से पकड़ कर लटक जाना। फिर हम दोनों इस छड़ी को पकड़कर किसी दूसरे तालाब की ओर लेकर उड़ चलेंगे। यह सुनकर कछुआ बहुत खुश हुआ। हंसों ने कछुए को सावधान करते हुए कहा, उड़ते समय तुम बिल्कुल नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए तुम चुप रहना। उड़ते समय अगर इस छड़ी की पकड़ जरा भी ढीली हुई तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने कहा, वह कुछ नहीं बोलेगा। हंसों ने छड़ी को दोनों ओर से पकड़कर उठा लिया और कछुए ने बीचों बीच मजबूती से अपने मुंह से छड़ी को पकड़ लिया। तीनों आसमान की ओर उड़ने लगे। गांव में रहने वाले लोगों ने ऊपर उड़ते हुए हंसों और कछुए को देखा तो शोर मचाने लगे, देखो हंस कैसे कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। कछुए को लगा कि लोग उसके ऊपर हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कछुए को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, कितने मूर्ख हैं इस गांव के लोग जो इस तरह शोर मचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इतना कहने के लिए कछुए ने अपना मुंह खोला, छड़ी की पकड़ ढीली हो गई और कछुआ धड़ाम से नीचे गिरकर मर गया। जो लोग दूसरों की अच्छी बातों को नहीं मानते उनका अंत बुरा होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। आपको इससे संबंधित कार्य भेजा जा चुका है, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।